प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव दोनों की बात करेंगे हम यहां पे अभी, क्या होती है प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। ठीक है भाई, अच्छी बात है, समझते हैं इसको। अब जैसे सपोज हमने कोई सेगमेंट ले लिया, एक एयर का एक सेगमेंट यहां पे मैंने कंसीडर कर लिया। अच्छा मुझे ये बताओ, बल्क मॉडुलस पता है सबको क्या होता है? इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था बल्क मॉडुलस, क्या थी उसकी, माइनस वी, या ऐसे लिख लो इसको, यही था माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी। ठीक है, यहां पर डीपी क्या था, डीपी मतलब चेंज इन प्रेशर, क्या था यहां पे डीपी, चेंज इन प्रेशर, और डीवी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर एक सेगमेंट लिया एयर का, ये एयर सेगमेंट है, एयर सेगमेंट में एक एलिमेंट ले रहा हूं मैं यहां पे, यहां से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट मैंने लिया है यहां पे। यहां पर हम प्रेशर इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के रिलेशन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से इनमें रिलेट होता है और कैसे प्रेशर इक्वेशन को हम डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक dx एलिमेंट लिया x डिस्टेंस पर, अभी यहां पर कोई भी वेव्स नहीं आ रही है, ये जो मैंने सेगमेंट लिया है इसमें अभी कोई भी वेव्स जनरेट नहीं हो रही है, कुछ नहीं है अभी, हमने सिंपल एक इसमें क्या ले लिया, एक एलिमेंट यहां पर ले लिया। अब मैं इसको यहां से कंप्रेस कर रहा हूं, या इधर से मैं कोई फोर्स या वेव्स को, या फिर इसमें पिस्टन के थ्रू, ऐसे हमने देखा था ना पिस्टन से जब बात की थी हमने वहां पे, तो हम पिस्टन से गैस वगैरह और मॉलिक्यूल्स को हमने कैसे कंप्रेस किया था और उनको एसएचएम करवाया था, तो मैंने यहां पर, अब यहां पर मैं इसको आगे की तरफ कंप्रेस कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं इसे आगे कंप्रेस करूंगा देखना इस चीज को, जैसे ही मैंने इसको कंप्रेस किया क्या ये जो ब्लॉक है अपनी पोजीशन से कुछ इतना डिस्प्लेस हो जाएगा। अच्छा स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो ये एस इसकी इक्वेशन है, साउंड के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही होती है साउंड की इक्वेशन, है ना। तो अगर मैं बात करूं जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया, जब यहां पर कुछ हमने प्रेशर कंप्रेस किया, तो ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, ये यहां से यहां से, ये इक्वेशन है ना इसकी भाई, टी टाइम में जो भी टाइम होगा हम टाइम रख देंगे, पर इक्वेशन तो यही है ना, इक्वेशन में अगर ये पोजीशन रख देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा क्या, तो मान लिया कि ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, एस डिस्प्लेस हो जाएगा, कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, एस डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अच्छा इसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया वो ए है, क्या है, ए है, तो इसका अगर वॉल्यूम मुझे लिखना हो, सॉरी अगर मुझे मास लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं मैं, इसका मास क्या ये लिख सकता हूं मैं, रो ए डी एक्स, दिस इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट, है ना, ए डी एक्स क्या हो जाएगा वॉल्यूम, रो वी, समझ में आई बात। ठीक है आगे देखो, अगर ये डिस्टेंस कितनी है पूरी, dx है, ठीक है, अगर ये ब्लॉक s, सॉरी ये जो है ये वाला पार्ट जो एलिमेंट लिया था हमने, इस एलिमेंट का ये वाली जो बाउंड्री है, अगर ये इधर s डिस्प्लेस हुई है तो क्या ये बाउंड्री जो आगे है ये s प्लस ds डिस्प्लेस हो जाएगी, ये बाउंड्री क्या s प्लस ds डिस्प्लेस हो जाएगी। अरे यार हमने बात नहीं की थी, हम किसी x डिस्टेंस पर प्रेशर लेते थे तो क्या लेते थे, p प्लस dp लेते थे, नहीं लेते थे प्रेशर, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये s डिस्प्लेस होगा, तो ये वाली बाउंड्री s प्लस ds डिस्प्लेस हो जाएगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। चलो अब मुझे ये बताओ
ये डिस्टेंस हमने निकाल ली, ये कितनी है, एस प्लस डीएस, ठीक है। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, वॉल्यूम के पीछे इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि यहां पर हमको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, ये प्रेशर और यहां पर वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी हमको, इसलिए मैं इसलिए वॉल्यूम के पीछे पढ़ रहा हूं। क्या ये इनिशियल वॉल्यूम कहलाएगा वीआई, और क्या ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, तो क्या हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए, डीवी चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो भाई यहां पे ये डिस्टेंस डीएक्स है, ये डिस्टेंस एस है, तो क्या ये वाली जो डिस्टेंस है मैं लिख सकता हूं डीएक्स माइनस एस, देखना एक बार ध्यान से, ये एस ये डीएक्स, इस डीएक्स में से ये एस को माइनस किया तो क्या ये डिस्टेंस मिल जाएगी, तो क्या ये वाली डिस्टेंस कितनी है डीएस प्लस एस, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो माइनस एस से माइनस एस तो हो गया कैंसिल, क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, ये डीएक्स प्लस डीएस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डीएक्स प्लस डीएस, और क्या अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फाइनल वॉल्यूम बन जाएगा हमारे लिए, हाँ या ना बोलो, ये क्या फाइनल वॉल्यूम बन जाएगा हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगर हमको डीवी निकालना है यहां पे, तो डीवी क्या लिख सकता हूं मैं, देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल में से वी इनिशियल किया तो क्या हो जाएगा, एडीएक्स से एडीएक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या यही बच जाएगा हमारे पास, है ना, तो क्या मैं इसको डीवी लिख सकता हूं, तो ये मिल गया हमको चेंज इन वॉल्यूम, क्या मिल गया हमको यहां पर, ये चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां से प्रेशर क्या मिल जाएगा हमें, डीपी इज इक्वल टू माइनस बीटा, ये बीटा नहीं है बल्क मॉड्यूलस है, ये क्या है बल्क मॉड्यूलस, अगर अच्छे से पढ़े होंगे ना पिछले चैप्टर तो याद आ जाएगा कि मैंने कब लिखवाया था, ये बीटा डीवी बाय वी, बीटा डीवी बाय वी, अच्छा v इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, dv इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा वहां से, देखो माइनस ये b a ds बाय v, माइनस a ds बाय v, नोट कर लो इसको जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्या ये इनिशियल वॉल्यूम था इसका, इनिशियल वॉल्यूम यही था ना इसका, यहां पे वी आई है ना, तो देखो यहां पे ये इनिशियल वॉल्यूम ए और डीएक्स में क्या है रिलेशन है, यानी वी आई अपॉन ए इज इक्वल टू डीएक्स, तो क्या इस ए को मैं यहां इसके नीचे ला सकता हूं, तो क्या मुझे ये इक्वेशन मिल सकती है, तो क्या मुझे ये इक्वेशन मिल सकती है, यहां ऑब्वियसली मिल सकती है ना, वहां से मैंने क्या किया इसको पुट कर दिया, अरे भाई डीएस बाय डीएक्स कुछ रिलेशन है क्या हमारे पास इसका, कहां से लिख सकते हैं इसको, ये देखो इक्वेशन, ये अगर एस को हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हमको यहां पर इक्वेशन मिल जाएगी एक्स की फॉर्म में, डीएस बाय डीएक्स कर सकते हैं ना, यहां से एस की वैल्यू पुट करो, यहां इसको मिटाते हैं और आगे बात करते हैं हम, प्रूफ की कहीं जरूरत नहीं होती है, बस प्रूफ क्या है थोड़ा सा फील के लिए होता है कि हां भाई ऐसे इक्वेशन आती है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है ना कहीं पूछा जाता है ये। बढ़े आगे, ठीक है, तो डीपी माइनस बी डीएस बाय डीएक्स इंटीग्रेट ही कर देते हैं डायरेक्ट, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के बाहर आ जाएगा,
है ना, और माइनस के बाहर आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लो, और माइनस के से माइनस के जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बी के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, एस नॉट भी है, सॉरी यहां पे ये एस नॉट को कहां हटा दिया मैंने, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, बी के एस नॉट बेसिकली इज इक्वल टू डी पी। ये डीपी क्या है यहां पे, ये डीपी क्या है यहां पे, ये डीपी है एक्सिस प्रेशर भी बोलते हैं इसको, या फिर हम बोल सकते हैं इसको चेंज इन प्रेशर, क्या बोल सकते हैं इसको, चेंज इन प्रेशर, क्या बोल सकते हैं इसको हम, चेंज इन प्रेशर या एक्सिस प्रेशर, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो क्या ये डीपी की वैल्यू माइनस आ सकती है हमारे पास, इन जनरल, ऐसे जनरल पूछ रहा हूं, क्या माइनस हो सकती है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर नहीं हो सकती, मैंने बोला हो सकती है यार माइनस, तो बच्चे बोलेंगे अरे यार सर प्रेशर माइनस में कैसे हो सकता है, तो आपने बताया ही नहीं, तो मैंने कब कहा कि प्रेशर माइनस में है, ये तो डीपी है चेंज इन प्रेशर, क्या है ये, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर तो माइनस में हो सकता है ना, है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसको लिख लो पहले फिर हम आगे बात करते हैं, इसको लिख लो जल्दी से। तो जैसे कि हम नॉर्मली अगर बात करें, तो ये जो डेल पी है ना डीपी, इसका मतलब होता है चेंज इन प्रेशर, क्या होता है, चेंज इन प्रेशर। जैसे सपोज करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है 1 atm, यानी 1.01 × 10⁵ पास्कल, कितना होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। अगर मैं बोलूं इस रूम में डेल्टा पी की वैल्यू है -2, अगर मैं बोलूं इस रूम में डेल्टा पी की वैल्यू है -2, तो इस रूम का टेम्परेचर कितना होगा, अगर मैंने बोला इस रूम का जो टेम्परेचर है वो है -2, तो इस रूम का रियल टेम्परेचर कितना होगा, अरे भाई ये तो चेंज है ना, ये तो चेंज आया है, ये क्या आया है, चेंज आया है, मैं -2 बोल रहा हूं, चलो छोड़ो, ये -2 -0.2 इस रूम का टेम्परेचर है, तो क्या रियल टेम्परेचर बता सकते हैं हम, रियल टेम्परेचर क्या हो जाएगा इस रूम का, सोचो माइंड लगाओ थोड़ा, रियल टेम्परेचर क्या हो सकता है, -2 इज द डिफरेंस, नहीं आई बात समझ में, -2 यहां पर क्या है, डिफरेंस है, यानी पहले जो है रियल कुछ रहा होगा, पी मान लेते हैं, है ना, पहले कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा इसमें पी, और बाद में इसका ये लो पी नोट हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, बेसिकली ये जो डिफरेंस है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि P माइनस P नॉट इज इक्वल टू -0.2, क्योंकि जो प्रेशर था उसमें से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर माइनस किया होगा तो ये डिफरेंस मिला होगा हमको। बेसिकली अगर मैं एक बात बोलना चाहूं तो क्या मैं यही बोल सकता हूं ना कि भाई कुछ भी किया हो हमने, कैसे भी करके यहां का प्रेशर बढ़ा दिया, अब प्रेशर बढ़ गया तो डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, तो पहले कितना प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, इससे बढ़ा दिया कितना हो गया P, तो डिफरेंस कितना आया P माइनस P नॉट इज दिस। तो अगर मैं पूछूं कि रियल प्रेशर कितना था, तो रियल प्रेशर क्या इतना हो जाएगा कि इसका कि P नॉट प्लस माइनस 0.2 यानी 0.8, क्योंकि P नॉट की वैल्यू 1 ले सकते हैं ना 1 atm, तो कितना हो गया 0.8, है ना, समझ में आई बात। अगर मैंने बोला जैसे इस रूम का प्रेशर जो है वो है 0.3 atm, तो तुम क्या करोगे यहां पर,
पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 0.3। इसका मतलब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस 0.3। तो बेसिकली अगर मुझे यहां से रियल प्रेशर निकालना है तो क्या रियल प्रेशर जो है, ये जो मैं बात कर रहा था रियल प्रेशर की, क्या बेसिकली ये वही है बेसिकली यही है ना रियल प्रेशर क्या कर रहे हैं P नॉट प्लस डेल्टा P, पॉजिटिव है नेगेटिव है सब जोड़ना है हमको, ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। माइनस टू भी हमने पी नॉट में ऐड किया, यानी पी नॉट प्लस डीपी इज द रियल प्रेशर। क्या है ये? रियल प्रेशर। तो रियल प्रेशर जब भी हमको मेजर करना हो तो हम इसी तरह से मेजर करेंगे। समझ में आई बात? आगे देखो, यहां पर लिख लेना, इसको लिखना है तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे तो ये जो बी के एस नोट है ये क्या कहलाता है यहां पे, बी के एस नोट है ये क्या कहलाता है यहां पे, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। ये प्रेशर नहीं है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस प्रेशर एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं हम एक्सिस प्रेशर एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस प्रेशर एम्पलीट्यूड, या फिर हम इसको डेल्टा पी नोट भी बोलते हैं। इसको हम डेल्टा पी नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन अगर हमको लिखनी है तो अब हमारी इक्वेशन हमको क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू पी नोट इसकी जगह साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। जो इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखाई थी क्या वो इक्वेशन